सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर पबजी मोबाइल 2.3 बीटा वर्सन के अंदर गाइस यहाँ पर एक न्यू अपडेट यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे अपडेट करेंगे, बताऊंगा कितना एमबी का यहाँ पर आपको फाइल लगेगा, मतलब कितना डाटा आपका यूज होगा। एंड लास्ट को आपको पूरा गेम के अंदर लेके दिखाऊंगा क्या क्या न्यू फीचर इन्होंने इस 2.01 MB अपडेट के इन्होंने डाला है। ठीक है, मतलब क्या क्या न्यू फीचर यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है। तो सबसे पहले गाइस देखो, यहाँ पर वीडियो बनाने का यहाँ पर मतलब इतना कुछ सही नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जितने भी सारे मैंने चीज़ किया है वो स्क्रीनशॉट ले लिया है। बट लास्ट को पूरा मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा कि गेम के अंदर मतलब यहाँ पर देख लो, एक मिनट, गेम के अंदर क्या क्या सब कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं वो मैं लास्ट को आपको पूरा करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो बट उससे पहले मैंने कितना डाटा यहाँ पर मेरा यूज किया, क्या सब कुछ यहाँ पर यूज हुआ, क्या इशू आया, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर आपको पबजी मोबाइल 2.3 का बीटा वर्जन का लिंक चाहिए तो कैसे आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है। एंड आपको टेलीग्राम पर इसका जो भी एपीके वगैरह है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको डाउनलोड करना है। एंड उसके बाद बहुत बंदे बोलेंगे भाई क्या हमें वीपीएन की ज़रूरत है, तो नहीं गाइस, आपको वीपीएन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये मेरा पबजी मोबाइल बीटा, यहाँ पर ऊपर आप देख लो कोई वीपीएन वगैरह कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, बस वाईफाई कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, आपको कोई वीपीएन डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप यहाँ पर गेम वगैरह भी खेल सकते हो, मतलब जो न्यू मैप वगैरह इन्होंने ऐड किया है उससे भी आप इजीली पिंग आपका 100 to 150 के बीच में रहेगा अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो। अगर आप नेट यूज़ कर रहे हो तो आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका नेटवर्क टावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया कि आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर गेम ओपन किया, मुझे एक न्यू वर्जन यहाँ पर डिटेक्ट हुआ जिसका फाइल साइज था 201, मतलब 201 MB था। तो मैंने इसे यहाँ पर अपडेट किया, तो यहाँ पर देख लो नीचे यहाँ पर धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, वो मैंने सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर लिया एक मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट कंप्लीट होने के बाद गाइस इसके बाद और एक प्रोसेस है जो कि है मर्जिंग रिसोर्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 748 MB का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो नेट है या फिर आपका जो डाटा है वो यहाँ पर यूज नहीं होता है। ठीक है, वो यूज नहीं होता है यहाँ पर। बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपने आपका पहले जो गेम था उसका डाटा एंड अभी आपने जो डाउनलोड किया वो दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, मतलब दोनों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। ठीक है, समझ लो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डाटा वो दोनों का मर्जिंग चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला प्रोसेस में आपका कोई डाटा वगैरह कुछ भी लॉस नहीं होता, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा इंस्टॉल वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने ओके में क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर जो अननोन एज वाला जो परमिशन था वो नहीं दिया, तो मैंने इसे ऑन कर दिया। ऑन करने में थोड़ा ऐसा लोडिंग हुआ। ठीक है, लोडिंग होने के बाद मुझे लगा भाई लोडिंग हो रहा है तो मे भी थोड़ा टाइम लगा, तो मैंने क्या किया, गेम को कट कर दिया, फिर से ओपन किया। तो फिर से जैसे ओपन किया तो गाइस मुझे यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन मुझे शो कर दिया है। ठीक है, जो कि सिलेक्टेड रिसोर्स डाउन हो। तो गाइस यहाँ पर आपको 770 वाला MB का फाइल है और एक 432 वाला। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कहा, 432 वाला सिलेक्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कितना डाटा खर्च किया, एक है मतलब 423 वाला और 201 वाला, मतलब यहाँ टोटल मैंने 624 डाटा यहाँ पर मेरा यूज हो चुका है। ठीक है, तो मैंने इसे भी यहाँ पर इजीली यहाँ पर अपडेट कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर रहा था तो मेरा गेम यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होता है, रिस्टार्ट हो जाता है। रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी गेम के अंदर आ चुका हूँ। तो मैंने आपको बता दिया टोटल मैंने यहाँ पर 234 MB यूज किया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं गेम खेलने जाता हूँ तो गाइस मुझे बहुत सारे एक है बीटा कम्युनिटी वगैरह सब कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बीटा कम्युनिटी वगैरह जो कि यहाँ पर टैप नहीं होता है, मतलब इतना कुछ लोडिंग वगैरह में भी नहीं होगा क्योंकि मैंने पहली बार क्लिक किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीटा कम्युनिटी, तो बेसिकली इनका जो भी डिस्कॉर्ड चैनल है इन्होंने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, एंड वीकली वर्सन में गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, मैं कुछ दिखा नहीं रहा था बट ऑटोमेटिक कैसे पता नहीं कट हो गया। एंड सबसे पहले अगर आप बीटा वर्सन यूज करो तो गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पबजी वाले या फिर क्राफ्टन वाले या फिर टेंसेंट वाले एवरी वीक फ्राइडे को न्यू पैच अपडेट रिलीज करते हैं। मतलब मान लो अगर आपने थर्सडे को बीटा वर्सन डाउनलोड किया तो गाइस आपको फ्राइडे को एक न्यू अपडेट डिटेक्ट होगा, मतलब आपका फ्राइडे को एक न्यू पैच अपडेट आपके गेम के अंदर आ जाएगा। एंड अगर आप उसे अपडेट नहीं करोगे तो आपका गेम ओपन नहीं होगा, उसे अपडेट करने के बाद जाके आपका गेम यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो गाइस अभी चलते हैं थोड़ा मैप के अंदर। तो गाइस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने आई थिंक इसे डाउनलोड किया था या डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, या देखो अनरैंक में गाइस यहाँ पर जो एफ्टर मैच वाला मोड है लीविक मोड का, तो उसने इन्होंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। मे बी ये पहले से भी था, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर देखो तो लीविक मैप में यहाँ पर देखो जो फुटबॉल काटने वाला है ये मोड आ चुका है। एंड नूसा मैप में जो फुटबॉल काटने वाला है ये मोड यहाँ पर आ चुका है। एंड इरेंगल में जो फुटबॉल काटने वाला है ये मोड आ चुका है। ठीक है,
आज देखो भाई यहाँ पर जो भी सारे न्यू मोड आ रहे हैं वो बस यहाँ पर लिविक और इरांगल एंड एक जो न्यू नुसा मोड आया है इसके ऊपर ही, मतलब नुसा मैप जो है इसके ऊपर ये लोग न्यू मोड ला रहे हैं, ठीक है। लिटरली सैनॉक मीरामार ये सब कुछ ये लोग भूल चुके हैं, मैं भी बहुत बंदे खेल नहीं रहे इसलिए आई थिंक ये लोग इरांगल लिविक के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड उसके बाद सबसे मेन चीज़ अगर आपको यहाँ पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर क्लब का एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे एक बार न्यू इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आप सिंपली से रीड एंड फॉलो कर लेना है। यहाँ पर देखो बेसिकली इन्होंने इसके अंदर ही यहाँ पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला दिया है पबजी वालों ने, मतलब क्या बोलूँ भाई मैं क्या बोलूँ, ठीक है। वैसे इसका नाम है क्लब करके, ठीक है। अब भाई बस थोड़ा यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह ऑटो प्ले वाला कुछ ऑप्शन है क्या, क्योंकि वीडियो यहाँ पर ऑटो प्ले वाला तो दिक्कत हो सकता है यहाँ पर। ओके तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर देख लो इसके अंदर ही इन्होंने यहाँ पर एक न्यू मतलब स्टार्ट कर दिया है, क्या बोलूँ मैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉलोइंग वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर यूज़ करते हो ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इन्होंने यहाँ पर तो अभी मैंने सोचा कि भाई क्या यहाँ पर मूवमेंट्स का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ इस तरफ गया एंड मुझे लिटरली कहीं पर भी जो मूवमेंट वाला या फिर जो बोल सकते हो जो मूवमेंट कहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला, जहाँ पर हम स्टेटस वगैरह अपलोड करते हैं, मतलब जहाँ पर हम अगर कोई हमारा कुछ अच्छा निकल गया तो हम वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखा, मैं भी इन लोगों ने वही चीज़ को थोड़ा कन्वर्ट करके ऐसे यहाँ पर सोशल मीडिया की तरह इन्होंने यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट वगैरह कर सकते हो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट स्टोरी पोस्ट वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बारे में और एक फुल डिटेल्स में मैं वीडियो लाऊंगा, थोड़ा आप वेट करना। एंड आपका प्रोफाइल ये रहा, ठीक है, जिसका नाम है, मेरा नाम है लुटेरा सुब, आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पर पोस्ट वगैरह करके क्लब वगैरह लाइक वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पर बीटा वर्जन थोड़ा हैंग वगैरह हो सकता है, तो आपका आपके कितने फॉलोअर्स है एंड आप कितने को फॉलोइंग कर रहे हो, मतलब पबजी वाले भाई पूरा इंस्टाग्राम के चौदे हो चुके हैं, ठीक है, क्या बोलूँ भाई, इस मतलब आप गेम को पूरा गेम का आपका धज्जिया उड़ा के रख रहे हैं, मतलब वही एक गेम के अंदर जो कि एक अच्छे से डिवाइस में भी नहीं चलता है, आप उस गेम के अंदर इतना भर भर के चीज़ डाल दे हो ना, मतलब गेम लिटरली लग जाएंगे भाई, गेम के लगेंगे, मोबाइल के लग जाएंगे भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। एंड यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर आप 1 मिनट यहाँ पर आप क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर, ओके यहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बैच, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आज बैठूंगा फुल डिटेल्स कलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद जाके इसके बारे में, ये जो क्लब वाला जो ऑप्शन है ना इसका नाम है क्लब, ठीक है, इसका नाम है क्लब, मतलब मान लो जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम एंड वैसे ही क्राफ्टन का एक न्यू या फिर बहुत टेंशन का एक न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्लब, जो कि आपको डाउनलोड करने के लिए 1-2 GB लगाने पड़ेंगे, मतलब पबजी डाउनलोड करके तभी जाके चलेगा। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स में मैं यहाँ पर आज थोड़ा डिटेल्स कलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद जाके वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैंने यहाँ पर बस आपको ऊपर ऊपर से डाल दिया, उसके कल या फिर परसों देखेंगे वीडियो वगैरह थोड़ा अपलोड करेंगे क्लब के अंदर, देखते हैं क्या सब कुछ होता है, ठीक है। तो गाइस यही था पूरा वीडियो एंड हम ट्राई करेंगे इसका भाई इसका भी एक थोड़ा लाइव स्ट्रीम वगैरह करने के लिए, जो कि न्यू फुटबॉल कार्निवल मैप है, तो लाइव स्ट्रीम वगैरह करने ट्राई करेंगे, तो देखने क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही एंड अगर आपको डाउनलोड करना है पबजी बीटा वर्सन तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, आई थिंक अभी मेरे पास इसका लिंक आया नहीं है, तो आप ज्वाइन हो जाओ, जैसे यहाँ पर लिंक मेरे पास हो जाएगा, जैसे कि मतलब बहुत सारे लिंक है जैसे कि VPN वाला, बिना VPN वाला, OBB, ये सब कुछ लिंक है, तो मैं ट्राई करूँगा वो सबको एक करके विथआउट VPN वाला एक करके आपको देने के लिए वहाँ पर टेलीग्राम पर, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाना एंड चाहो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएंगे इंडिया। तो यही था पूरा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।